नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में। देखिए, आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक नया क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड बाय कॉस ए प्लस वन माइनस साइन ए इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका है, ये आपका हमें से बोल सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको ये देखिए एग्जाम में किस किस तरीके से आ सकता है, तो हम इसके तरीके के लिए आगे आपको ये इसकी जगह पे आपको वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक मेथड ये कह सकता है कि इसको ये प्रूव करना है। और इसको ये कह सकता है आपके पास कॉसेक का आ जाएगा वन प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ये भी आप कह सकता है प्रूव करने। और देखिए, इसको ये भी कह सकता है वन माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है। तो देखिए, इस एक ही क्वेश्चन के चार पार्ट है। अगर आप कोई और बुक देखेंगे, आर डी शर्मा देखते हैं, एम एल अग्रवाल देखते हैं, किसी बुक को आप रेफर करते हैं, तो उस बुक में सेम क्वेश्चन या क्वेश्चन आपका यही होगा। इस क्वेश्चन को आपको या तो डायरेक्टली इससे ये वाला पार्ट पूछा जा सकता है, या डायरेक्टली ये पार्ट पूछा जा सकता है, या डायरेक्टली ये पार्ट पूछा जा सकता है, लेकिन सबका प्रोसीजर एक ही होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, देखिए यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे कॉट बनाना है आपके पास है, ठीक है। तो आप किससे डिवाइड करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? साइन से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय साइन ए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, तो देखिए डिवाइड किया कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए। ये कौन सा पार्ट किया हमने? ये आपने न्यूमरेटर वाला पार्ट कर लिया। कौन सा पार्ट किया बेटा यहाँ पे? ये हमने न्यूमरेटर वाला पार्ट कर लिया। अब डिनोमिनेटर देखिए, कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। क्लियर? चलिए, अब कॉस अपॉन साइन, आई होप अब तक तो सारी चीजें आपको पता चल चुकी होंगी, फिर भी मैं साइड में आपके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास कॉस ए अपॉन साइन ए क्या बनेगा आपका बेटा? ये बनेगा कॉट ए। वन अपॉन साइन ए क्या बनेगा आपके पास? ये आपका बनेगा कॉसेक ए। क्या बनेगा आपका? ये कॉसेक ए। ये दोनों पार्ट आप जरूर नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। तो देखिए, कॉस अपॉन साइन क्या बना बेटा आपका? ये बना आपका कॉट ए। साइन से अगर साइन वाला पार्ट कट होगा तो आपका वन आ जाए। वन अपॉन साइन क्या बनेगा आपका बेटा? वन अपॉन साइन क्या बनेगा आपका? कॉसेक ए बनेगा। क्लियर है? आई होप आपको ये सारा समझ आ रहा होगा। कॉस अपॉन साइन क्या हो गया आपका? कॉट ए। साइन से साइन कैंसिल आउट, आपका वन आ गया। और वन अपॉन साइन क्या हो गया आपका? कॉसेक ए आ गया। क्लियर? अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो आपके दोनों वन है या आपके दोनों वन वाला जो पार्ट है, इनको एंड में पहुंचा देंगे, तो ये आपका बना देंगे। इसको कॉसेक ए को आगे लिख देते हैं, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखिए, कॉसेक के आगे प्लस का साइन है, तो कॉसेक क्या है? पॉजिटिव साइन हो गया। कॉट के आगे भी आपका पॉजिटिव साइन है, माइनस वन डिवाइड बाय आपके पास ले लिया हमने कॉट ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दिया, डिनोमिनेटर में कोई भी चेंज नहीं करा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें। अब देखिए आपके पास ये वन जो आपका है, एक आइडेंटिटी आपके एग्जाम में अभी आपको बताई गई थी आइडेंटिटी। चलिए मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ आपके पास एक आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू वन। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वन, ये आपकी क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर है? अगर आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। और ये फॉर्मूला आपका बन सकता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। क्लियर?
तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका बन जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और ये वाला आपका बन जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे इस वन की जगह पे आपके पास थोड़ा सा बेटा, मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमें चलिए, तो अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, अब देखिए इस वन की जगह पे है ना, इस वन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है, इस वन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्लियर, और डिवाइड बाय आपके पास आ गया बेटा यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, तो देखिए आपका बनेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए माइनस कॉट ए, आपको इस आइडेंटिटी के बारे में ऑलरेडी मैंने यहाँ पे अवेयर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपका जो पार्ट चल रहा है तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देख लेते हैं, कॉसेक ए ये आपके पास थोड़ा सा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, तो देखिए अगर आप देखें कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों पार्ट के अंदर है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए एंड कॉसेक ए प्लस कॉट ए, बस आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है, मैं आपको ये रेड पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ ना हो तो इसके साथ वन, क्लियर है। चलिए हम कॉसेक ए जो हाईलाइट वाला पार्ट किया है हमने इसको कॉमन लिख, कॉसेक ए प्लस कॉट ए हमने इसको कॉमन लिया, जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया बेटा, रिमेनिंग वन रह गया, वन आ गया माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय क्या बना आपके पास कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, आई होप आपको पूरा समझ आया, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इस वाले पार्ट को देखते हैं बेटा, वन माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक ए और माइनस और माइनस प्लस कॉट ए डिवाइड बाय आपके पास ये आ जाएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा इसको तो ये वन आपका पॉजिटिव है, कॉसेक आपका नेगेटिव है, कॉट आपका पॉजिटिव है, और इस सेम पार्ट को देखिए दोबारा मैं लिख रहा हूँ, सेम पार्ट को एज इट इज मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ पेन का कलर, ठीक है, तो देखिए सेम पार्ट को मैं अगर वन को आगे कर दूँ, वन को वन प्लस वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एज इट इज सेम लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, सेम इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे आप ये वाला पूरा का पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट इससे कट हो गया, क्लियर। चलिए रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे रह जाता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्या रह गया बेटा यहाँ पे हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए, हमारा रिमेनिंग पार्ट ये रह गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे दिस इज योर, ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपका, ये आपके पास राइट हैंड साइड निकल के आ गया, क्या आ गया आपका राइट हैंड साइड निकल के आ गया, तो इसी के साथ ही जो हमारा एनसीईआरटी में क्वेश्चन गिवन था उसको हमने यहाँ पे कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं, इसी के साथ ही मैंने आपको कहा था इन वीडियोस में जो भी आपको कराया जाएगा कंसेप्चुअल बेस कराया जाएगा और चीजों को अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कराया जाएगा प्रॉपरली, क्लियर है। आई होप आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आया होगा, अब हम इसका थोड़ा आगे का प्रोसीजर करेंगे, यहाँ तक आपको सबको अगर समझ ना आया तो आप कमेंट्स में बता देना, ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा का पूरा एज इट इज करना है, आगे वाले पार्ट के लिए मैं बताता हूँ, इतना आपका एज इट इज होगा, अगर आपके पास एग्जाम में इसके बाद ये ना कि इन तीनों में से कोई भी पार्ट आता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ये वाला पार्ट आता है, मैं इस वाले पार्ट की बात करता हूँ, ठीक है, ये देखिए
इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ये वाला पार्ट अगर आपके पास आता है, ठीक है, हमने किस तरीके से करना है, तो इधर देखिए हमने किस तरीके से यहाँ पे करना है। चलिए इधर देखिए, कोसेक बनेगा 1/sin A और कॉट बनेगा cos A/sin A, ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो अब दोनों में देखेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, sin A आपका एलसीएम आ गया और आपका बन जाएगा 1+cos A। अब देखिए कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आपके पास निकल गया, क्लियर है, आ गया आपके पास। हमें मैंने पहले आपको क्या कहा, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपने एज इट इज ये फाइंड आउट करना है, इसके बाद हम सारा का सारा पार्ट निकालेंगे, ठीक है। तो आपको बात बताया यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, ये आपका थर्ड वाला पार्ट, इसको मान लेते हैं दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, दिस इज योर थर्ड पार्ट और दिस इज योर फोर्थ पार्ट। तो आपका इस क्वेश्चन के बाद एक फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट आपका आ गया था, देखिए ये वाला आपका, एक सेकेंड वेट अ सेकेंड, ये आपका फर्स्ट पार्ट था और ये आपका थर्ड पार्ट था, क्लियर। चलिए अगर मान के चलिए आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, चलो थोड़ा सा एरेज कर लेते हैं इसको, देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, फर्स्ट पार्ट के बाद आप इसको यहाँ पे, चलिए आप देखते हैं, अगर आपका एक पार्ट प्रूव कर लिया आपने फर्स्ट पार्ट, तो इस पार्ट में cosec A+cot A आपने प्रूव कर लिया है, ठीक है। आपने इस पार्ट का रैशनलाइजेशन करना है न्यूमरेटर, किसका, न्यूमरेटर का रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो भी आपकी वैल्यू होगी उसके अपोजिट साइन यहाँ पे लगा देना है, देखिए यहाँ प्लस था या माइनस का साइन लगा लिया है, और इसको cosec A - cot A इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना। अब अगर हम इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये a+b एंड a - b के कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो बनेगा आपका a² - b² बनेगा, तो आपका यह बन जाएगा cosec² a - cot² a डिवाइड बाय, क्या बन जाएगा, cosec A - cot A, ये बन गया आपका, क्या बन गया, cosec A - cot A। तो इस वाले पार्ट की वैल्यू आपकी 1 होती है और इसकी वैल्यू हो जाएगी cosec A - cot A। तो देखिए कौन सा पार्ट आ गया आपका, ये दिस इज योर सेकंड पार्ट। आई होप आपको इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियरली आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपको बताया। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट आपने ये खुद से करना है, ठीक है, और खुद से करने के बाद इसके सॉल्यूशन को आपने, सॉल्यूशन ना हो तो आपने इसको, इसके जो भी हिंट होगा उसको कमेंट करना है, जो भी हिंट होगा उसको आपने जरूर कमेंट करना है, और अगर आपको इसका फोर्थ पार्ट नहीं समझ आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका एक पार्ट आपको सॉल्व करवा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरी की पूरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, और बेटा ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब क्वेश्चन स्टार्ट कराया था बता दिया था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने ध्यान से समझ के करना है, क्योंकि एग्जाम में ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स में काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन, क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, ठीक है, चलिए थैंक यू।